सेकंड टॉपिक स्टार्ट है आपका बिजनेस एंटरप्राइज। जब भी कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचता है तो उसको ये सोचना पड़ता है कि बिजनेस जो मैं करूंगा किस कैटेगरी में करूंगा। बहुत टाइप ऑफ ओनरशिप आती है क्योंकि बिजनेस सिंगल बेस पे नहीं होता कि बिजनेस स्टार्ट हो जाए। बिजनेस में ओनरशिप बहुत प्रकार की है। प्रोवाइडरशिप है जिसको हम सोल प्रोवाइडरशिप बोलते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, सोल प्रोवाइडरशिप पहले हमने बोल दिया है, उसके बाद आपके पास कॉर्पोरेट या फिर कॉरपोरेशन भी हम बोल सकते हैं। सब चीजें डिसाइड करने के बाद जब बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तब उसके बाद ही बिजनेस स्टार्ट होता है। तो हमें जो क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, टाइप ऑफ दी ओनरशिप आ सकता है, टाइप्स ऑफ दी बिजनेस आ सकता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप अगर किसी बंदे को पता हो, एग्जांपल कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, वो बिजनेस होता है जिसमें सिर्फ सिंगल ओनर होता है। सिंगल पर्सन ने ही सारे डिसीजन लेने होते हैं, सारा पैसा सिंगल पर्सन ने ही लगाना होता है। अगर प्रॉफिट भी होता है तो प्रॉफिट भी सिंगल पर्सन का ही होगा, लॉस भी होगा तो सिंगल पर्सन ही उसको सफर करता है। इस तरह के बिजनेस के इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको साथ में कैरेक्टरिस्टिक, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज कुछ कुछ पॉइंट लिखने साथ में होंगे। उतने तो काफी दिए हैं हम लोग मेन मिनट्स में सर। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक लिखा कि फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इस तरह का बिजनेस कब चलाना है कब बंद करना है, कोई किसी चीज की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। सिंगल पर्सन ओनर होता है, जब मर्जी अपने बिजनेस को चला सकता है, जब मर्जी चाहे तो बंद भी कर सकता है, उनको किसी गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। सेकंड लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब जो भी पैसा कभी भी देना पड़ेगा सिंगल पर्सन का ही, सिंगल पर्सन अपने हिसाब से जितने मर्जी पैसे से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, उसको किसी ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती। सोल प्रोवाइडर रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट्स, अगर जो रिस्क होंगे सिंगल पर्सन को खुद ही सफर करने पड़ते हैं, अगर प्रॉफिट होगा वो भी सिंगल पर्सन का ही होता है, उसको किसी के साथ शेयर भी नहीं करना। उसके बाद कंट्रोल, पूरे के पूरे बिजनेस के ऊपर सिंगल पर्सन का ही कंट्रोल होता है, किसी और पर्सन का कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि सिंगल पर्सन ही बिजनेस चला रहा है, सभी प्रकार के डिसीजन वो खुद ही लेते हैं। नो सेपरेट एंटिटी, इसमें हम बोलेंगे कंपनी को आप सेपरेट एंटिटी या फिर कोई आर्टिफिशियल पर्सन मान लोगे। अगर जो सिंगल पर्सन बिजनेस चला रहा है बाई दा भी उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जब इसे अपनी हो जाती है या फिर उसकी डेथ भी हो जाती है, इस तरह के बिजनेस बंद भी हो जाते हैं, इसको हम सिंगल एंटिटी अलग से आर्टिफिशियल पर्सन नहीं बोल सकते। जैसे कंपनीज में होता है, कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे, कोई शेयर होल्डर आ रहा है जा रहा है कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी वैसे ही चलती रहेगी। लेकिन जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस आपका होगा उसमें कोई भी स्पेशल एंटिटी नहीं होता, वही पर्सन एक मेन पर्सन होता है, अगर उसको कुछ होगा तो बिजनेस क्लोज भी हो जाता है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, ये भी इन्होंने एक कैरेक्टरिस्टिक में लिखा है कि इस तरह के बिजनेस लगातार चलते रहेंगे ये हम कह नहीं सकते, वही पॉइंट दोबारा घूम के आएगा। अगर बाई दफे किसी पर्सन को कुछ हुए तो जिसने बिजनेस चलाया है तो बिजनेस क्लोज भी हो जाता है। अभी इस प्रकार के बिजनेस के एडवांटेज की बारे बात करें, एडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट बता रहे हैं क्विक डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन लेना हो सिंगल पर्सन बहुत जल्दी से ले सकते हैं, उसको किसी के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ता। कॉन्फिडेंशियली ऑफ इन्फॉर्मेशन, पूरी की पूरी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन उसी ओनर के पास ही रहती है, क्योंकि और कोई पर्सन होता ही नहीं, किसी और बंदे के पास कोई इन्फॉर्मेशन जाती भी नहीं। डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब जो भी बेनिफिट होगा वो सिंगल पर्सन का ही होता है, किसी और पर्सन से कोई शेयर करने की जरूरत नहीं होती। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, जो भी काम कंप्लीट करने होते हैं उस बंदे का खुद की सेंस होती है, अपने हिसाब से खुद ही जो मर्जी कर सकते हैं, मीन्स उसके पास पूरी फ्रीडम होती है, अपने फ्रीडम से जो मर्जी डिसीजन ले जो मर्जी छोड़े। इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड इजी ऑफ क्लोजर, इस तरह के बिजनेस को बहुत सिंपल तरीके से चलाया भी जा सकता है और बहुत सिंपल तरीके से बंद भी किया जा सकता है। मोस्टली अगर कंपनी क्लोज करनी है या फिर पार्टनरशिप फर्म क्लोज करनी है काफी कुछ करना पड़ता है, लेकिन सोल प्रोवाइडरशिप में ज्यादा सिर दर्दी कुछ नहीं होती, बहुत सिंपल तरीके से बिजनेस स्टार्ट होंगे, जब मर्जी आप अपना सामान बेच बूझ के खत्म कर सकते हैं, बिजनेस क्लोज भी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कि डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले ये होगा कि इस तरह के बिजनेस में लैक ऑफ कंटिन्यूटी होती है, ये बिजनेस लगातार नहीं चल सकते। हम एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि आप बोलोगे आज चलाएंगे तो पूरे लगातार आने वाले अगले सालों में कोई और बंदा भी चला लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं आपको कुछ होता है तो बिजनेस फिर टाइम पे खत्म हो जाएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है इस प्रकार के बिजनेस में, आपके जैसे पैराग्राफ बनाया आपकी बुक में आप एक पॉइंट लिख सकते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, पैसे की जब भी जरूरत पड़ेगी सिंगल पर्सन को लगानी पड़ती है, कोई और पर्सन आपके पास शेयरिंग भी नहीं कर सकता कि आप पैसे की जरूरत पड़ी आप कहीं और से लेके आ जाएंगे, सारा का सारा पैसा आपको खुद ही लगाना पड़ता है।
लिमिटेड रिसोर्सेज, इस तरह आपके बिजनेस में लिमिटेड रिसोर्सेज होती है। क्योंकि मैंने सिंपल वर्ड बात करूँ कि पैसा अगर जरूरत पड़ेगा तो आपको खुद ही लगाना पड़ेगा, आप बाहर किसी सोर्स से पैसा इकट्ठा नहीं करवा सकते। आप बोलोगे किसी बैंक से इकट्ठा कर लेंगे या कोई और पर्सन से फैमिली से इकट्ठा करवा लेंगे, कोई भी आपकी हेल्प करने के लिए नहीं होगा। उसके बाद लिमिटेड मार्जिनल एबिलिटी, सॉरी मैनेजरियल एबिलिटी लिखी उन्होंने, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। इसमें अगर मैनेजर की बात करें, सिंगल पर्सन ही ओनर होता है, सारे डिसीजन उसको खुद ही लेने होते हैं, ऑलवेज उसके डिसीजन सही होंगे ये हम कह सकते। इसमें बिजनेस में ये भी एक तरह की प्रॉब्लम रहती है। ये था आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो टाइप ऑफ ओनरशिप आती है वो है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म वहां आती है जहां पर दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इस तरह का बिजनेस जब भी स्टार्ट होगा, इस तरह के बिजनेस को एज पर द रूल ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग उस एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है पार्टनरशिप बिजनेस। जब भी पार्टनरशिप बिजनेस बनेगा, एक एग्रीमेंट के ऊपर बनता है जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप डीड बनाए कभी भी नहीं बन सकती पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप बिजनेस चलाना है तो उसको आपको रजिस्ट्रमेंट करनी पड़ेगी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप में मिनिमम जो मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है दो होती है, मैक्सिमम मेंबर जो है 50 तक ले जा सकते हैं। अगर आप बैंकिंग का बिजनेस में जा रहे हैं तो 20 तक भी ले जा सकते हैं, 10 या 20 तक भी ले जा सकते हैं। अदरवाइज इसमें जो मैक्सिमम नंबर की लिमिट्स है वो है 50। इससे ज्यादा पार्टनरशिप में नहीं जाता, अगर इससे ऊपर आप जाते हैं तो आपको अपने पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करवाना पड़ता है कंपनी। देखिए उन्होंने फैक्टर्स लिखे हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सन, वही मैंने बात किया कि मिनिमम पर्सन दो होने चाहिए, मैक्सिमम आप 50 तक ले जा सकते हैं। अब उसके बाद कोलैटरल रिलेशनशिप, इस तरह के जो भी पर्सन पार्टनरशिप में आएंगे वो सभी पर्सन आपस में कॉन्ट्रैक्ट में इसमें आते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक दूसरे से बंधे होते हैं। कोई भी पर्सन किसी की बिना रजामंदी के आगे नहीं बढ़ता, अगर मानो दो पर्सन है तो उनको आपस में शेयरिंग करके ही आगे चलना होता है। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फर्म का जरूरी नहीं कि रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी भी हो, आप वॉलेंट्री बेस पे भी काम कर सकते हैं। वैसे गवर्नमेंट कहती है कि अगर पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ही वो रजिस्टर्ड होती है। उसके बाद कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टनरशिप, जितने भी पार्टनर होंगे इसमें कोई फिक्स नहीं है आपने कितने पार्टनर लेके चलते हैं, सभी पार्टनर जितने मर्जी आप बढ़ा सकते हो, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपने जो भी पार्टनर रखे हैं पार्टनरशिप डीड में क्या सेटअप किया है, कितनी शेयरिंग रेशियो रखी है प्रॉफिट की, कितनी लॉस की रेशियो रखी है, किन किन पर्सन को सैलरी मिलेगी, किन किन पर्सन को सैलरी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कितना मिलने वाला है, किसको नहीं मिलने वाला, वो पहले से ही एक बार डिसाइड कर लिया जाता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप फर्म में अगर आप पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग रेशियो क्या है तो सभी पार्टनर्स को इक्वल में ही शेयर करना पड़ता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, जितने भी पर्सन पार्टनर बनेंगे किसी बिजनेस में उन सभी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी इनको बिजनेस में लगाना पड़ता है, चाहे उनका अपना घर तक भी क्यों ना सेल हो जाए, पैसे बिजनेस में लगाने पड़ते हैं। लीगल स्टेटस, पार्टनरशिप फर्म का कोई भी लीगल स्टेटस नहीं होता, पार्टनरशिप फर्म कभी भी अपनी कंपनी के नेम से नहीं जानी जाती, ऑलवेज पार्टनर के नेम से ही जानी जाती है। माइदा भी मान लो कंपनी के ऊपर केस करना हो, आप बोलोगे हम पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस करेंगे तो मतलब कि पार्टनर्स के ऊपर केस होता है ना कि कंपनी के ऊपर। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी पार्टनर अपना इंटरेस्ट किसी बंदे को ट्रांसफर नहीं कर सकता, बोले कि मैं छोड़ के किसी और पर्सन को छोड़ के चला जाऊंगा, नया पर्सन लगा जाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर माइदा भी पार्टनरशिप में कोई पर्सन आ रहा है या जा रहा है, पार्टनरशिप फर्म को एक बार क्लोज करके दोबारा से सेटअप करके दोबारा नई तरीके से चलाना पड़ता है। फिर हमारे पास है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, पार्टनरशिप में जो भी पर्सन होंगे जितने भी पार्टनर होंगे आपस में एजेंट और कस्टमर का रिलेशनशिप चलता है। हम ऐसे बोलेंगे सभी लोग अपनी राय से ही काम करते हैं, जो कुछ वो पहले पार्टनरशिप डील में डिसाइड कर लेंगे उसी के हिसाब से बिजनेस चलेगा। अगर वो पहले से सेटअप नहीं करते तो इस तरह के बिजनेस में मोस्टली क्या होते हैं, कंफ्लिक्ट चलते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं कि हमारी नहीं चल रही है, उसकी नहीं चल रही, ऐसा भी चलता है। पार्टनरशिप फर्म में उन्होंने आगे बताया कि पार्टनरशिप फर्म जो है कितने प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले तो बताया जनरल पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप का मतलब कि कुछ पार्टनर्स होंगे, मेनली मान लीजिए दो पार्टनर्स होंगे तो दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्टअप किया है, वो तो दोनों ही वर्किंग है, वर्किंग का मतलब कि दोनों ही डेली कंपनी में आते हैं, डेली कंपनी का काम देखते हैं, इस तरह की कंपनी को पार्टनरशिप बोलेंगे जनरल पार्टनरशिप। फिर मेरे पास आती है लिमिटेड पार्टनरशिप, मान लीजिए आपकी पार्टनरशिप फर्म में दो या तीन पर्सन जिन्होंने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया है और उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि हम 5-5 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो 5 लाख से ज्यादा उनको एक पैसा भी नहीं देना होता बिजनेस में, इस तरह के बिजनेस को हम बोलते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। फिर हमारे पास आता है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वही पॉइंट दोबारा से आ गया,
कि जितना हमने लेबिलिटी फिक्स कर लिया कि उतने पैसे हमने देने हैं, उससे ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं होती, ये लिमिटेड लेबिलिटी उसी में ही आता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वो होती है जहां पर कहता है गवर्नमेंट का भी कुछ ना कुछ हिस्सा होता है प्लस प्राइवेट पर्सन भी साथ में काम कर रहे थे। इस तरह की कंडीशन पे हम बोलते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हम हो जाती है। एग्जाम्पल अगर आपने लेनी हो मुंबई मेट्रो, इन्होंने एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई है, मुंबई मेट्रो जो चलती है उसमें पब्लिक पार्टनरशिप चलती है, कुछ प्राइवेट पर्सन भी उसको चला रहे हैं और गवर्नमेंट भी उसको साथ में चला रहे हैं। इस तरह की पार्टनरशिप को बोलते हैं पब्लिक पार्टनरशिप फर्म्स। फिर आते हैं पार्टनर कितने प्रकार के होते हैं, कई बार आपको पार्टनर्स में ही कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं दो दो नंबर में, नहीं तो टाइप्स ऑफ पार्टनर भी पूछ लेते हैं। पार्टनर में सबसे पहले पार्टनर है एक्टिव या फिर मैनेजिंग पार्टनर। एक्टिव या मैनेजिंग पार्टनर वो पर्सन होता है जो डेली बिजनेस में आएगा, डेली बिजनेस में आएगा, उसका काम देखेगा और शाम को अपना घर भी जाएगा। स्लीपिंग पार्टनर जो सिर्फ अपने घर पे ही सोते हैं, पैसे लगा दिए उन्होंने, दोबारा उन्होंने बिजनेस में कभी नहीं आना, साल बाद प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको देखने आएंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो अपना हिस्सा ले जाएंगे, लॉस हुआ तो उसको शेयर करके चले जाएंगे, मतलब कि बिल्कुल बिजनेस के काम में कोई भी इंटरफेरेंस उनकी नहीं होती। इस तरह के पार्टनर को हम स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का मतलब वो पार्टनर होता है जिसका सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट नहीं होता पार्टनरशिप फर्म में। मैं एग्जाम्पल बोलूँ कि सिर्फ नाम से ही पार्टनरशिप में होता है। एग्जाम्पल हम बोले कोई भी माइनर पर्सन, कोई भी एक्सलेंट पर्सन, वैसे तो बिजनेस में ऐड नहीं कर सकते, पार्टनरशिप में उन पर्सन को आप ऐड कर सकते हो लेकिन सिर्फ विद द इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा उसको शेयर करेंगे, बिजनेस में उनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। पार्टनर बाय स्टोपल, पार्टनर बाय स्टोपल वो होता है कि वो डिस्प्ले बाय हिज वर्ड्स, जो सिर्फ नाम से ही जाना जाता है कि ये पार्टनर है, उसको बोलते हैं पार्टनर बाय स्टोपल। एक्चुअल में कोई पर्सन उसको नहीं बताता कि कंपनी में पार्टनर है, सिर्फ नाम से जानते हैं ये पार्टनर है, उसकी कंपनी में कोई है ही नहीं, वजूद ही नहीं है, कंपनी में कभी देखा नहीं, आया नहीं, किसी से पैसे एक बार लगवा लिए, उसको हम बोल सकते हैं पार्टनर बाय स्टोपल। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, कुछ ऐसे पार्टनर भी आपको मिल जाएंगे जो कंपनी में सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही आते हैं, प्रॉफिट होगा तो उनको बेनिफिट है, अदरवाइज उनको कोई लेन देना कंपनी में नहीं होता। ये कहते हैं माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर वो होते हैं जिनकी एज 18 साल से कम होगी, कंपनी में ऐड किए जाएंगे। वैसे तो रूल नहीं है कि कंपनी में, मतलब जब कंपनी फॉर्म होगी वहां पे शेयर होल्डर नहीं बन सकते, पार्टनरशिप फॉर्म में माइनर आ सकते हैं, सिर्फ ओनली दी इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट। अगर उनका प्रॉफिट में कोई इंटरेस्ट होता है जब उनके पैसे लगवा दिए जाएं तो बिजनेस में ऐड हो सकते हैं। ये थी आपकी फर्म पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की इन्होंने एडवांटेज डिसएडवांटेज आपकी बुक में नहीं दी, अगर आपको लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आप कुछ लिख सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के एडवांटेज। कोई पॉइंट हम मतलब हेडिंग बेस पे लेके चलेंगे पार्टनरशिप फर्म में, ऐसा कोई हेडिंग हम बना सकते हैं? बोलो, कोई आपको एग्जांपल ऐसी लगती होगी पार्टनरशिप फर्म में, आप एग्जांपल ऐसे दी के कुछ एडवांटेज, क्योंकि अगर आपको इकट्ठा आ गया ये क्वेश्चन पार्टनरशिप फर्म क्या है माइनर, आप उसका मीनिंग को लिख दोगे, कैरेक्टरिस्टिक भी लिख दोगे, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में भी पूछ लेंगे वो भी लिख दोगे, कुछ एडवांटेज बोला गया तो फिर क्या लिखोगे? फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं इजिली अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स। अगर पार्टनरशिप में एक से ज्यादा पर्सन होंगे पैसे इकट्ठे करने कोई मुश्किल नहीं होती, पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे सिंगल ओनरशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन लगातार पैसे लगा लेगा हम कह नहीं सकते, लेकिन पार्टनरशिप में जो पर्सन हैं वो पैसे इकट्ठे करवा सकते हैं, एक पर्सन के ऊपर बर्डन नहीं होता, एक से ज्यादा पर्सन उसमें ऐड हो जाएंगे। कोई और पॉइंट भी? सेकेंड, बेटर डिसीजन इन्वायरमेंट। बेटर डिसीजन इन्वायरमेंट हमारी कंपनी में होता है, क्योंकि सारे जो पार्टनर होंगे ऐसे तो नहीं है कि सारे ही हमने कोई ऐसी पार्टनर किसी को बना लिया, सब लोग नॉलेजेबल पर्सन होते हैं जो बिजनेस चलाने वाले होते हैं, उनके पास अपने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग नॉलेज होती है, अपने अपने फील्ड के अकॉर्डिंग जब भी कहीं डिसीजन लेने की जरूरत हो तो इजी बेस पे डिसीजन लिया जा सकता है। इजी प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स बिजनेस में आ रही होंगी बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाती है, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट पर्सन ही पार्टनर बनते हैं। ऐसा नहीं किसी को भी पार्टनर बना ले जिसको नॉलेज नहीं होती फील्ड में, तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी सॉल्व हो सकती है। अगर डिसएडवांटेज में चले, डिसएडवांटेज क्या डालोगे? दो तीन पॉइंट हमने इसमें लिख दिया, कोई और पॉइंट अगर आपके माइंड में तो आप लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या लिखोगे? कॉन्फ्लिक्ट पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि मोस्टली पार्टनर्स में कॉन्फ्लिक्ट कई बार चलते रहते हैं, झगड़े हो जाते हैं, अगर मान लो एक दूसरे की राय ना चली जाए तो ये भी होता है। फिर उसके बाद आता है कि कॉन्फ्लिक्ट इन प्रॉफिट शेयरिंग। अगर मान लीजिए आपने पार्टनरशिप में पहले लिखा ही नहीं है,
तो बाद में कॉन्फ्लिक्ट भी जनरेट होते हैं। कई बार बंदा बोलता है कि मैंने ज्यादा पैसे लगा दिए, आपने कम पैसे लगाए, लेकिन आप इक्वल कैसे शेयर कर लोगे। तो पार्टनरशिप डील लिखना भी जरूरी होता है। पार्टनरशिप में लैक ऑफ कंटिन्यूशन भी चलता है। लैक ऑफ कंटिन्यूशन का मतलब ऐसे होगा कि मान लीजिए पार्टनर में एक पर्सन रिटायर हो गया, तो पार्टनरशिप हमें एक बार डिसॉल्व करनी पड़ेगी, दोबारा से नई पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। ये भी चलता है, लैक ऑफ कंटिन्यूशन इसमें आ जाता है। टाइम फिक्स नहीं होता पार्टनरशिप कितने टाइम की चलेगी, हमें इसमें टाइम ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, लगातार कितना टाइम चलेगी कोई फिक्स नहीं। तो ये चार पॉइंट हम डिसएडवांटेज में भी लिख सकते हैं। उसके बाद मेरे पास एक आ रहा है कि ज्वाइंट हिंदू बिजनेस या फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब होता है जब एक फैमिली मिलकर बिजनेस चलाती है, उसमें एक पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं जिसको हम कर्ता बोलते हैं। इस तरह के बिजनेस को हम बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली बिजनेस या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी बोल देते हैं। HUF शायद आपने कभी सुना हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी ऐसा होगा जहां पर पूरी फैमिली बिजनेस चलाएगी, रिप्रेजेंटेटिव एक ही पर्सन होगा, मीन सारी फैमिली मेंबर्स ने बोला होता है कि हम इस बंदे को रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं, हर जगह उस बंदे के साइन सिग्नेचर जहां पर डिसीजन होंगे उस बंदे के थ्रू ही आगे चलते हैं। इस तरह के बिजनेस को हम बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इस तरह के बिजनेस के कहते कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे ना, लिखे सबसे पहले फॉर्मेशन। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बहुत इजीली तरीके से चल जाता है, एटलीस्ट टू मेंबर इन द फैमिली। अगर फैमिली में दो मेंबर भी हो ना तो भी बिजनेस हम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि 10-15 बंदे सही हैं, 20 लोग इकट्ठे रह रहे हैं फिर फैमिली बिजनेस स्टार्ट होगा, या 5 लोग इकट्ठे रह रहे हैं, 2 मेंबर भी हैं तो अपना बिजनेस फैमिली बिजनेस की तरह चला भी सकते हैं। लायबिलिटी, लायबिलिटीज होती है सारे मेंबर्स की होती है बिजनेस, हम ऐसा नहीं बोल सकते किसी एक मेंबर की होती है, जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे सभी की लायबिलिटी होती है बिजनेस में। कंट्रोल, फैमिली के बिजनेस का कंट्रोल ऑल ओवर मेंबर होल्ड जरूर करते हैं, लेकिन जो रिप्रेजेंट होगा वो एक ही पर्सन जिसको हम करता है वो करता है। उसके बाद कंटिन्यूटी, इस तरह का बिजनेस कंटिन्यू लगातार चलता रहता है। हम बोले कि फैमिली, मान लो पूरी फैमिली ने मिलकर बिजनेस चलाया है, मान लो उस फैमिली से एक बंदे की डेथ होगी तो बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता, वो बिजनेस आगे चलता रहेगा। हमें कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ अपना कर्ता जो होता है जिसको रिप्रेजेंट किया होता है उसको चेंज करना होता है। मीन्स एक पर्सन जो चला गया उसकी जगह नए पर्सन को आगे दिखाना होता है कि आज से ये बिजनेस जो पूरा हैंडल करेगा हमारा ये पर्सन हैंडल करने वाला। माइनर मेंबर, इस तरह के बिजनेस में कहता माइनर मेंबर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं हम कह सकते कि माइनर मेंबर, लेकिन माइनर मेंबर को कभी भी आप कर्ता के रूप में नहीं दिखा सकते। एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपकी बुक में दिए ही हैं। एडवांटेज सबसे पहले बताया कि इफेक्टिव कंट्रोल, हिंदू अनडिवाइडेड जो भी बिजनेस होगा उनका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है बिजनेस के ऊपर, सभी मेंबर्स अपने रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें बताते चले जाते हैं। कंटिन्यू बिजनेस, इस तरह का बिजनेस लगातार चलता रहता है, हम लोग बंद हो गए ये बंद नहीं होता। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, जो भी मेंबर्स इस तरह के बिजनेस में आएंगे उनकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है, कुछ कुछ पैसे सब लोगों ने लगाए होते हैं बिजनेस चल रहा होता है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, सभी मेंबर्स में कोऑपरेशन बना रहता है और लॉयल्टी, सब लोग एक दूसरे के वफादार भी रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि मेंबर बोले कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो मैं बिजनेस में बाहर चला जाऊंगा, ऐसा कभी चलने वाला नहीं। इस तरह का बिजनेस नाम वैसे ही, मायदा भी चाहे एक पर्सन चला भी जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम वैसे ही चलता रहता है बिजनेस में, क्योंकि करता तो एक ही पर्सन शो किया होगा। डिसएडवांटेज क्या कह सकते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज, कई बार मान लीजिए फैमिली के पास पैसा ही उतना है कि बिजनेस इतना लगा के बिजनेस कर सकते हैं, उसके बाद उनको पैसा बाहर से इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सभी मेंबर्स ही पैसा लगाएंगे। जब सभी मेंबर्स ही सॉल्वेंट हो गए या उन्होंने घोषित कर दिया कि हम पैसे और नहीं लगाएंगे तो बिजनेस बंद भी हो सकते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, जो पर्सन मेन पर्सन जिसको शो करेंगे उसकी लायबिलिटी तो ऑलवेज अनलिमिटेड रहती है, उसको ऑलवेज पैसा उसी को लगाना होता है बिजनेस में, क्योंकि नेम एंड फेम उसी के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, तो पैसे मेन उसी को ही लगाने होते हैं। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, मेन जो प्रभाव होता है इस बिजनेस में वो सिर्फ कर्ता का ही होता है, मेंबर्स है बाकी जितने मर्जी कुछ मर्जी कहते रहे फैमिली मेंबर्स ये करना है वो करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो चलेंगे वो कर्ता के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, जो मैनेजरियल स्किल्स होती हैं वो भी कम ही होती हैं इस तरह के बिजनेस में। सिंगल पर्सन जो आपने दिखाया होता है मेन तो रूल उसके चल रहे होते हैं, अगर वो उसके पास नॉलेज होगी एक्सपर्ट मेन होंगी तो वो काम कर सकता है। कई बार ऐसी कंडीशंस भी आती हैं, प्रॉब्लम ऐसी जनरेट होगी कि उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। फिर हमारे पास बिजनेस आ रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कोई एग्जांपल आप क्या बताएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? हाँ जी, जब कुछ मेंबर्स मिलके किसी भी सोसाइटी में वॉलेंट्री का मतलब कि अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग मिलके एक एसोसिएशन बना लेते हैं और लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम करते हैं। मैं एग्जांपल बोलूँ, किसी गांव में एक लेडीज ने काम स्टार्ट कर लिया कपड़े का,
कपड़े का स्टार्ट कर लिया, वो सारा काम देख के उसके पास काम बढ़ रहा है तो उसने तीन चार लेडीज को मिला लिया, वो तीन चार लेडीज मिलते मिलते आगे और भी काम स्टार्ट हो गया। सभी लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, वेलफेयर यानी कि लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपनी ही वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी इनकम जनरेट हो, जो उनकी नॉर्मल नीड्स हैं लाइफ के लिए वो कंप्लीट करते रहते हैं। तो इस तरह के बिजनेस को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है, सबसे पहले इसमें सॉरी मतलब हमने क्लियर कर लिया, करेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, वॉलंटरी मेंबरशिप। इसमें जो मेंबरशिप होती है वो वॉलंटरी होती है, सब लोग चाहें अपनी मनमर्जी से अपनी स्वेच्छा से इसमें ऐड हो सकते हैं। इसमें कोई मेंबरशिप की लिमिटेड नहीं होती कि आपने सिर्फ इतने मेंबर बनाने हैं, जितने मर्जी मेंबर आप इसमें ऐड करके आप अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। लीगल स्टेटस, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी उसका अपना लीगल स्टेटस कंपलसरी होना चाहिए, किसी न किसी नेम से वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जानी जानी चाहिए। सोसाइटी एक्ट भी हमारा एक बना हुआ, उसके अंदर उसको रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। मे भी शायद आप लोग अगर न्यूज वगैरह देखें या गूगल पे सर्च करें तो आपको ऐसे बहुत सारी संस्थान मिल जाएंगे जिन्होंने अपना बिजनेस ऐसे कुछ लेडीज ने या कुछ जेंट्स ने ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर जिसको बोलते हैं खुद ही मिलके पूरे गांव के लोगों को बिजनेस में सेटअप करा के एक बिजनेस ऐसे चलाए हुए हैं। हमारे एरिया में क्षेत्र कम मिलेंगे, क्षेत्र MP गुजरात बिहार इस साइड में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं, राजस्थान या फिर आसाम, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर लोगों ने अच्छे अच्छे बिजनेस चलाए हुए हैं। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी, जो भी इस तरह के सोसाइटी में मेंबर्स आएंगे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, सिर्फ कुछ ही पैसा लगाकर उनको बिजनेस में ऐड होना होता है। ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती, जो पैसा एक बार इकट्ठा हो गया उसी पैसे से वो पैसे को जनरेट करते चले जाते हैं। कंट्रोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है पावर जो होते हैं कुछ इलेक्टेड मेंबर्स के पास ही होते हैं। हम बोले कि सोसाइटी में 15 मेंबर आ गए, अभी 15 मेंबर्स ही सारे का सभी का कंट्रोल तो है ही है, लेकिन जो डिसीजन लेंगे वो 15 मेंबर खुद ही डिसाइड करते हैं मिलकर कि हम किन पर्सन को नॉमिनेट करेंगे, पर्सन को आगे लेके आएंगे जो पर्सन डिसीजन लेंगे। सर्विस मोटिव, इस तरह की सोसाइटी का मेन मकसद एक होता है कि सर्विसेज के लिए काम करना, जो भी प्रोडक्ट हम जो गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे वो सर्विसेज लेकर लोगों के आगे पहुंचाई जाए ताकि उसका बेनिफिट हमें मिले। एडवांटेज क्या होगा, इक्वलिटी इन वोटिंग राइट्स, जितने भी मेंबर्स होंगे सबके पास इक्वलिटी होती है, सब लोग वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग करने वाले किस बंदे को नॉमिनेट करना है, किस बंदे को और ऐड करना है, सभी लोग मिलकर ही डिसीजन लेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी, सब लोगों की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कुछ ही डिसाइड कर लिए स्टार्टिंग में इतना पैसा बिजनेस में लगाना है। स्टेबल एक्जिस्टेंस, इस तरह के बिजनेस जो है लगातार चलता रहता है, कोई पर्सन आ रहा है जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। सोसाइटी में मान लो 15 बंदे काम कर रहे हैं, 15 में एक चला गया, उसकी शादी होगी भाई, जब किसी के साथ भाग गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो भाई कुछ भी फर्क पड़ने वाला, आ रहा है जा रहा है बिजनेस वैसे ही चलेगा, उनकी जगह पे नए पर्सन आ जाएंगे। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, इस तरह के बिजनेस में लगातार इकोनॉमी बनी रहती है, मीन्स सभी लोग अपनी सर्विसेज के लिए रेडी रहते हैं, पैसा भी जनरेट होता रहता है, ऐसा नहीं है कि लोग सर्विसेज करते हैं ऑटोमेटिकली उनका पैसा भी जनरेट होता रहता है, लिविंग स्टैंडर्ड भी अपडेट होगा, सेविंग लेवल भी इंक्रीज होते चले जाते हैं। इसलिए अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलकर चला रहे हैं, संस्था आपने कोई ऐसे रजिस्टर्ड भी करवा ली है, तो गवर्नमेंट की बेस पर भी आपको सपोर्ट मिलती है, आपको टैक्स में रिबेट मिल जाती है, टैक्स में छूट मिल जाती है, गवर्नमेंट आपको फंड भी देते हैं कि आप लोग अगर अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट खुद आपको प्रोत्साहित करती है कि आप आगे जाइए। इजी ऑफ फॉर्मेशन, इस तरह की संस्था बनाना बहुत सिंपल तरीके से बन जाते हैं, कोई ज्यादा हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। सोसाइटी एक्ट 1912 है, उसमें अपनी संस्था को रजिस्टर करवाना जरूरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तभी जाके आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलती है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तब आपको सपोर्ट नहीं मिलती, क्योंकि गवर्नमेंट की निगाह में नहीं आते कि ये लोग भी हमारी सोसाइटी में एक्ट काम कर रहे हैं। इस तरह की संस्था के डिसएडवांटेज क्या होंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि पैसे सब लोगों को बोला होता है कि इतना पैसा लगा काम करना है, सब लोगों के पास कम ही पैसा होता है, रिसोर्सेज कम होते हैं, मेन रिसोर्सेज तो पैसा ही होता है, या फिर हम जगह भी बोल सकते हैं, लैंड वगैरह भी कम ही होती है जहाँ पर सोसाइटी चलती है, तो गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलेगी तो बेनिफिट हो जाता है, अदरवाइज लिमिटेड रिसोर्सेज पे चलते हैं। इन एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, कई बार ऐसी कंडीशन भी आती है कि मैनेजमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है, मेंबर्स मिलकर बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे जैसे वर्कलोड इंक्रीज होता है कई बार बंदा अपना वर्कलोड एडजस्ट नहीं कर पाता तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। लैक ऑफ सीक्रेसी, इसमें हम बोले कि कुछ चीजें हम सीक्रेट लेके काम कर लेंगे, सीक्रेट बेट पे काम नहीं होता, सभी लोगों को आपस में शेयर करके ही चलना, कोई भी प्रॉब्लम आई है या कोई भी बेनिफिट हुआ है आपस में शेयर करना होता है, सीक्रेट कुछ भी नहीं रखा जा सकता। गवर्नमेंट कंट्रोल, इस तरह की संस्थान के ऊपर अगर रजिस्ट्रेशन करवा लें तो गवर्नमेंट का कंट्रोल भी ज्यादा रहता है, गवर्नमेंट भी बोलती है कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग ये काम करना, कई बार हम बोलते हैं कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट परमिशन देगी फिर ही आपको काम करना होता है, अदरवाइज काम भी इसमें नहीं कर सकते। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जितने मेंबर ज्यादा होंगे ओपिनियन उतने ही ज्यादा, डिफरेंसेस उतने ही निकलेंगे,
सब लोग एक जैसी सोच के साथ आएंगे हम कह नहीं सकते, सब लोगों की सोच अलग अलग भी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। फिर हमारे पास एक आ रहा है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसको हम कंपनी भी बोल सकते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का भी कंपनी ऐसी फॉर्म जिसको कंपनी एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है। कंपनी जब भी रजिस्टर्ड होगी अपने नेम से रजिस्टर्ड होगी, इसमें सिर्फ शेयर होल्डर गिने जाते हैं। जो भी मेंबर्स बनेंगे कंपनी के, मिनिमम मेंबर जो रिक्वायरमेंट है वो 7 है, मैक्सिमम मेंबर की रिक्वायरमेंट की कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी आप मेंबर बना सकते हैं। कोई भी मेंबर बिजनेस में आएगा जाएगा, बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी केस लगाना है तो सिर्फ कंपनी के नाम से ही लगेगा। आप ऐसे बोल सकते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, एक आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है कंपनी को। कंपनी अपने नाम से ही जानी जाती है, मेंबर्स के नाम से नहीं जानी जाती। हाँ जी, कैसे पूछा, थोड़ी जोर से बोलो। क्वाइन कंपनी की और बात बता दो, कंपनी वो कंपनी होगी जो एक आर्टिफिशियल पर्सन होगा। हम ऐसे बोलते हैं जैसे पार्टनरशिप में पर्सन के नेम से कंपनी जानी जाती है, लेकिन कंपनी जो होगी एक आर्टिफिशियल पर्सन होगा। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स अपने नेम से जानी जाएगी। मैं बोलूँ एग्जाम्पल, कंपनी चल रही है रॉयल एंड सन्स, तो रॉयल एंड सन्स में कितने मेंबर जुड़े हैं तो वो हम नहीं कह सकते, सिर्फ कंपनी अपने नाम से ही जानी जाएगी। जैसे हम बोलेंगे गर्ग इलेक्ट्रिकल्स, आपने नाम सुना ही हुआ यहाँ पे, तो गर्ग में बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं, सिर्फ एक है हम नहीं बोल सकते सिर्फ एक गर्ग कोई मेंबर है वही चला रहा है बिजनेस, ऐसा नहीं। बहुत सारे शेयर होल्डर उसमें हो सकते हैं, इतनी बड़ी फर्म चल रही है, सिंगल ओनर हम कह नहीं सकते कि सिंगल ओनर ही होगा, तो हम बहुत सारे लोग उसमें ऐड हो सकते हैं। देखिए इन्होंने लिखा कि कैरेक्टरिस्टिक आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी अपने नाम से जानी जाएगी, कंपनी में कोई मेंबर आ रहा है जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, अपना नाम अलग से बनाया होगा, अलग से रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, अलग से उनके ब्रांचेस होंगे, तो अलग से चल रही है। उसके बाद फॉर्मेशन, कंपनी जब भी बनानी है तो कुछ इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, कंज्यूम एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक तो कंपनी रजिस्टर्ड करानी पड़ती है कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत, दूसरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, फिर जाके कंपनी रजिस्टर्ड होकर आगे चलती है। जब भी कंपनी स्टार्ट होगी पहले इनको रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट भी लेना, दो सर्टिफिकेट लेके फिर कंपनी चलती है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कंपनी का एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब कोई भी पर्सन आ रहा है जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पार्टनरशिप में था, सोल प्रोप्राइटरशिप में था कि पर्सन किसी की डेथ होगी या रिटायर हो गया तो बिजनेस बंद होते हैं। इस तरह के बिजनेस कभी भी बंद नहीं होते। कंपनी में शेयर होल्डर की डेथ हुई तो उसका पैसा एग्जीक्यूटर के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो भी बंदा नॉमिनी बेस पे आया होगा उसको पैसे दे दिए जाते हैं, उसके शेयर किसी और को ट्रांसफर भी करवा दिए जाते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद है एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब लिमिटेड लायबिलिटी। सबसे पहले फायदा क्या होगा, अगर इस तरह की कंपनी में आप मेंबर बने हैं तो लायबिलिटी आपकी लिमिटेड होती है, जितने शेयर आपने खरीदे उसकी जो भी कॉस्ट बनती है वही पैसे सिर्फ कंपनी को देने होते हैं। वो पैसे भी सिर्फ एक बेस में नहीं, कंपनी कई बार इकट्ठे पैसे नहीं लेती, एप्लीकेशन पे अलग ले लेगी, अलॉटमेंट पे अलग ले लेगी, कॉल्स पे अलग, दो दिन पैसा देती है, कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम में सारा पैसा ले लेती। दूसरा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इस तरह की कंपनी में अपने शेयर किसी और बंदे को ट्रांसफर करने तो इजीली बेस पे किए जा सकते हैं, मीन सम ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर भी बोल सकते हैं कि अपने शेयर किसी और के नाम पे ट्रांसफर करने हैं तो आप कर सकते हैं। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, वही दोबारा बात होगी, किसी बंदे की डेथ, रिटायरमेंट, रजिस्ट्रेशन, इंसॉल्वेंसी, कुछ भी हो जाए। इंसॉल्वेंसी समझ तो क्या होता है, कोई बंदा दिवालिया घोषित हो जाता है कोर्ट की तरफ से कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो उस टाइम पे भी कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, अगर बंदा पैसे नहीं दे रहा उस बंदे को बाहर करके कंपनी अपना काम वैसे ही चलाते चले जाते हैं। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, ऐसी कंपनीज में बहुत ज्यादा स्कोप होता है कि आगे बढ़ने का, ये कंपनीज के बिजनेस बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं क्योंकि इन तरह के मेंबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होती कि कंपनी अपने नेम एंड फेम से चलती। उसके बाद प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इस तरह की कंपनी में मैनेजमेंट भी प्रोफेशनल होती है, सभी डिपार्टमेंट में प्रोफेशनल पर्सन को हायर किया जाता है। जैसे बोलेंगे अकाउंट्स में तो अकाउंटेंट को रखे जाएंगे, मैनेजमेंट है तो एचआर मैनेजमेंट रखे जाएंगे, उसके बाद डायरेक्टर की बात करें तो मेन डायरेक्टर या सेक्रेटरी वो पर्सन बनेंगे, चीफ होल्डर भी बनेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी, सेल्स ऑफिसर, सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग पर्सन को हायर किया जाता है। कोई मिक्स काम नहीं करवाया जाता कि जॉइंट में बुला के छोड़ देंगे, जाओ भाग लो यहाँ पर भागना, ऐसा कुछ नहीं करवाते। डिसएडवांटेज क्या होंगे इस तरह की कंपनीज के, कम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन, इस तरह की कंपनी में इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होती है, आप बोलेंगे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद नहीं भी मिली कंपनी की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर लेनी है आपको नहीं मिल पाती, कंपनी अगर ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन लेके बैठती है तो
पॉजिटिव पॉइंट्स मोस्टली आपको देगी, नेगेटिव पॉइंट में भी कमी मिलती है। दूसरा इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट, हम बोलें कि इसमें मोस्टली अपने बंदे अपने हिसाब से काम कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन में ही हमें काम करना है, ये भी इसमें एक डिसएडवांटेज है। पार्टनरशिप में सोल प्रोवाइडर बंदा अपनी मनपरी से जब मर्जी आए जा सकते हैं, लेकिन कंपनी में क्या होंगे, जो मेंबर सेटअप किए गए हैं पेपर से उनको टाइम के अकॉर्डिंग आना पड़ेगा, टाइम के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा। डिले इन डिसीजन मेकिंग, इस तरह की कंपनी में कई बार डिसीजन लेना डिले भी हो जाती है, क्योंकि इन तरह की कंपनी में क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स हैं, कुछ भी काम करना है। वैसे तो कंपनी जब स्टार्ट होगी एक मीटिंग साल में एक बार, सॉरी लाइफ टाइम में एक बार रखनी पड़ती है, स्टेचरी मीटिंग विद इन सिक्स मंथ। आज कंपनी स्टार्ट हुई है, छह महीने के अंदर एक मीटिंग रखनी थी, स्टेचरी मीटिंग वो कंपनी को रखनी पड़ती है हर साल 15 महीने के अंदर अंदर। वैसे तो 12 महीने का दिन मतलब साल होता है, उसके बाद 3 महीने और मिलते हैं। एजीएम करना होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, सभी कंपनी को करना पड़ता है। कुछ भी डिसीजन लेने हैं किसी बंदे को, डायरेक्टर को रखना है, हटाना है, मैनेजर की क्या सैलरी करनी है, कुछ भी वो डिसीजन उसमें। एमरजेंसी मीटिंग जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग भी बोलते हैं, कुछ ऐसे डिसीजन लेने हो तो कंपनी को मीटिंग करनी पड़ती है, शेयर होल्डर को 14 दिन पहले नोटिस भेजना पड़ता है, तभी जाके ये कंपनी की काम कर सकती है। अदरवाइज ऐसे नहीं है सिंगल पर्सन ने बोल दिया कि ये काम कर लो तो काम चल जाएगा, कंपनी चलती है शेयर होल्डर की बेस पे है, लेकिन सभी लोगों की डिसीजन लेने पड़ते हैं। उसके बाद न्यूमेरियस रेगुलेशन, इसमें जो रूल्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। कंपनी हम आज नहीं बोल सकते कंपनी ने अपने रूल्स बनाया, ठीक है गवर्नमेंट के हिसाब से भी उनको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। पॉलीग्राफिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो होगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिप्रेजेंटेटिव में माने जाते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे वो डिसाइड करते हैं, उन्हीं की बेस पे कंपनी चलती है। हम बोलेंगे बाकी सारे मेंबर्स बोलते हैं ये रूल चल जाए तो अच्छा होगा, वैसा कभी भी नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, कई बार लोगों के अपने आप में झगड़े भी हो जाते हैं कि हमारी नहीं सुनेगी उसकी ज्यादा सुनेगी, कई बार ऐसा शेयर होल्डर्स में भी हो जाता है, लेकिन कंपनी को इस चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद लास्ट एक आती है कि मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी नाम से क्लियर है, जब एक कंपनी का बिजनेस एक से ज्यादा एरिया में चल रहा है, जब हम ऐसे बोले एक से ज्यादा स्टेट्स में भी चल रहा है या फिर एक से ज्यादा कंट्रीज में भी ज्यादा चल रहा है, इस तरह की कंपनी को एमएनसी कंपनी या फिर मल्टीनेशनल कंपनी भी बोला जाता है। एमएनसी कंपनीज के जो इन्होंने लिखे कि एडवांटेज क्या होंगे, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, बहुत लोग खुद पैसा लगाना चाहते हैं, इस कंपनी का नेम एंड फेम चल रहा होता है तो इन्वेस्टमेंट इजीली बेस पे हो जाती है। दूसरा ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर लोकल कस्टमर, लोकल कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सॉरी मात्रा में हमें अवेलेबल मिल जाते हैं। कुछ कंपनी में ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट ना मिल पाना किसी अलग एरिया में सेल कर रहे हैं, लेकिन जो एमएनसी कंपनीज होगी वो सभी एरिया में जहां जहां पे उनका ऑफिस होता है सभी एरिया में प्रोडक्शन पहुंचाते चले जाते हैं। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज इन इम्पोर्ट, अगर एमएनसी कंपनीज ज्यादा हो तो इम्पोर्ट का लेवल जो बर्डन कम गवर्नमेंट के ऊपर वो कम हो जाता है, तो कंपनी एक्सपोर्ट में आ जाती है, क्योंकि सब सब एरिया में सब सब कंट्री अगर कंपनी का एक ही कंपनी बैठ जाए अपने ब्रांच खोल के या फिर डिपार्टमेंट खोल के, उसका बेनिफिट क्या होगा, उनको बाहर से सामान नहीं मंगाना पड़ेगा, जहां पर उनका ऑफिस खोला है वहीं से सामान लेंगे, वहीं बेचते रहेंगे, जब अदर कंट्रीज में भी भेज सकते। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स, जितनी भी स्किल्स लोगों के पास होती हैं या फिर टेक्नोलॉजी होती है वो ट्रांसफर भी इजीली बेस पे हो जाती है, किसी को किसी कंट्री को डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद लिखा कि टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, कोई दोबारा स्किल्स मैंने पॉइंट पहले क्लियर कर दिया, जो भी टेक्नोलॉजी है या मैनेजमेंट की स्किल्स हैं वो भी ट्रांसफर इजीली बेस पे हो जाती है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, इस कंपनी में डिसएडवांटेज क्या होती है, देर आर वेरी पावरफुल कैन इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री। एमएनसी कंपनी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, कई बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी कंपनी तक ही लिमिटेड होती है, ये गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, गवर्नमेंट के डिसीजन तक को भी रोक सकती है। डिसएडवांटेज है एक्विजिशन मीन्स हम बोलते हैं किसी को अक्वायर करना या फिर अपने साथ मिलाना, ये पॉइंट इसमें दिखा था। एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, इजली बेस पे कहीं से भी रॉ मटेरियल जो एक्वायर कर सकते हैं, हमें ये नहीं होता कि एमएनसी कंपनी को अदर कंट्री से सामान मंगवाना पड़ेगा फिर प्रोडक्ट होगा, इजली बेस पे कहीं से भी अक्वायर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज में लोकल एम्प्लॉयमेंट कैन बी डिपेंडेंट ऑन द लार्जर एम्प्लॉयर्स, लोकल एम्प्लॉयमेंट हम बोले कि इसमें डिसएडवांटेज है, हम बोले कि लोकल एम्प्लॉयमेंट से बहुत सारी कंपनी में ऐसे चलता भी है, कुछ मैं एग्जाम्पल इधर बोलूँ भी आप इधर चले जाओ उत्तराखंड साइड में, वहां पर एक बहुत सिंपल सा सेटअप उन्होंने किया होगा कि जो एम्प्लॉयज हम रखेंगे वो सिर्फ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के ही रखेंगे, अदर स्टेट के रखने ही नहीं, अदर स्टेट का कोई रखना है तो उसके लिए स्पेशल हमें एम्प्लॉयर के साथ कोई जान पहचान होनी चाहिए, तब जाके आप पूजा पे किसी बंदे की रिप्रेजेंटेटिव बेस पे आप काम करें तब वो आपको रखा जाएगा, अदरवाइज रखते ही नहीं। वहाँ पे रूल्स इन्होंने मेजर बनाया हुआ कि सिर्फ इसी एरिया के लोगों को ही हायर करना। देयर मे बी यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विच नॉट बी रिन्यूएबल, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज यूज करना जिनको रिन्यू ही नहीं किया जा
जो चीजें एक बार हमें मिल रही है उसी पे डिपेंड हो जाती है ऐसी कंपनी के ऊपर। मैं बोलूंगी अदर कंट्री से सामान मांगा तो वो बोलते हैं नहीं हमारा ऑफिस यहीं पे है तो हम यहीं से कंट्री लेंगे, जो चीज पंजाब में बन रही है बस तो उसी से काम चलाएंगे, हमें हरियाणा से कुछ लेना नहीं है, सर एग्जाम्पल के तौर पर बोले तो ऐसी कंपनी में प्रॉब्लम भी आ जाती है। एमएनसी क्रिएट मोनोपोलिस्टिक इन दी मार्केट एलईडी लोकल कंपटीटर, जो एमएनसी कंपनीज होती हैं कई बार कंपनी मार्केट में मोनोपोलिस्टिक कंडीशन भी लेके आ सकती है। अपना प्रोडक्ट जब वो बनाती हैं तो अपने हिसाब से कीमत रखते हैं, हम जो कीमत चाहेंगे वही रखेंगे, इन्फ्लेशन लेके आए जैसे वो कीमतें मार्केट में बढ़ाना भी स्टार्ट कर देती है, गवर्नमेंट क्या बोलती है जब उनके कंपटीटर क्या सामान बना रहे हैं वो चीज़ें इग्नोर कर देती है। मोस्टली तो कंपनी ऐसे चलती है कि जो भी हमारा कंपटीटर है उसी के हिसाब से ही हमें कोई कीमत रखी जाए ताकि हमारा प्रोडक्ट भी सेल करे, लेकिन जो एमएनसी कंपनीज होती हैं अपनी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग रिसर्च आरएनडी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कीमत रखते हैं, अगर उनको लगता है मार्केट में सामान बिक रहा है कीमतें बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी कंडीशन भी मार्केट में आ जाते हैं। ये थे आपके पास टाइप्स ऑफ ओनरशिप, इसके हमने टाइप्स भी पढ़ ली है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी साथ में करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। बोलो भी कोई है तो उसके पूछने वाला कैसे पार्टनरशिप में जो हमारे पास पार्टनर्स हैं हमें पहले से डिसाइड करने पड़े कितने मिलके पर्सन बिजनेस चलाएंगे। दूसरा आपने बोला ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पेज नंबर हमने बताया 31। हाँ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अलग से है, इसमें मिनिमम मेंबर कम से कम सात से रजिस्ट्रेशन के, इनको कंपनी भी बोल देते हैं कॉरपोरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी नाम भी शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग कंपनी चलती है, मिनिमम मेंबर जो है सात से, पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर दो चाहिए, मैक्सिमम जो है उसमें पार्टनरशिप में 50 तक ले जा सकते हैं, लेकिन कंपनी में कोई लिमिटेड नहीं, जितने मर्जी लिमिट्स हैं जितने मर्जी आप मेंबर बना सकते हैं। जो पार्टनरशिप होगी वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रजिस्टर्ड होगी, जो कंपनी है वो कंपनी एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड होगी। पार्टनरशिप में कोई पर्सन आ रहा है जा रहा है तो पार्टनरशिप को फर्क पड़ता है, किसी बंदे की रिटायरमेंट होगी या डेथ होगी तो पार्टनरशिप फर्म बंद होगी, लेकिन कंपनी में किसी बंदे के आने से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टनरशिप में अगर केस लगाना है तो पार्टनर के ऊपर होगा, कंपनी में केस लगाना है तो कंपनी के नेम के ऊपर होगा, पार्टनर के जो मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर नहीं होता। पार्टनरशिप की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, पार्टनरशिप जो है पर्सन के नेम से जानी जाती है, लेकिन कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मीन्स अपना एक नेम एंड फेम होता है, जब भी कंपनी जानी जाएगी तो अपने नेम के अकॉर्डिंग जानी जाएगी, उनके मेंबर्स के क्या नेम है किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। कोई और पॉइंट किसी का क्वेश्चन? हाँ जी करता तब चेंज करते हैं जो हिंदू फैमिली होगी, मान लीजिए हिंदू फैमिली में जिस पर्सन को रिप्रेजेंट बनाया है उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो पर्सन डिसेबल हो जाता है कि अब परमानेंट डिसेबल है वो बंदा काम नहीं कर सकता, तब करता चेंज करता है, जो बंदा साइन करने के लिए अवेलेबल नहीं है या उस बंदे की डेथ होगी या वो बंदा काम नहीं कर सकता, कई बार ऐसा होता है ओल्ड एज होगी तो वो करता चेंज कर सकते हैं। सभी मेंबर्स एक लेटर लिख के नोटरी अटेस्टेड करवा कर उसको नोटिफाइड गवर्नमेंट को भेज देते हैं कि आज से हमारा बिजनेस जो है करता जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये बंदा हमारे लिए करता। और कोई क्वेश्चन?